महला दूजा। यो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। इक ना हुक्म समाए ले, इक ना हुक्मे करे विनाश। इक ना भाणे कड ले, इक ना माया विच निवास। ए बे आख न जा पई जे किसे आने रास। नानक गुरमुख जानिए, जा को आप करे परगास। पौड़ी नानक जी उपाय कै, लिखना में धर्म बहा लिया। उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुण वख कड़े जज मा लिया। थाव न पाए ने कूड़ियार, मोह काले दोजक चालिया। तेरे नाए रते से जिन गए, हार गए से ठगण वालिया। लिखना वै धर्म बहालिया, लिखना वै धर्म बहालिया। आसा दीवार दी ये जो दूजी पौड़ी है, इस विच जो तीन श्लोक ने, तीजा श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा, जिस विच आप फरमान करदे ने, एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। समूह संसार परमात्मा दे रहण दा घर है। इस कोठी दे च व्यापक रूप दे च हो रह रहे है। बनस्पति, सागर, ग्रह, नक्षत्र, रेत दे जर्रे तो लैके सूरज दियां किरणा, हाथी, कीट, पहाड़, पाताल, आकाश, जिथे तक निगाह जांदी है और जो अदृश्य दुनिया है, इस सारा जगत, इस सारा ब्रह्मंड उस अकाल पुरख दे रहण दी थां है। कोई विशेष टिकाणा परमात्मा दा नहीं है। भी फलानी थां ते है तो इसका मतलब है इस थां ते नहीं है। दो शब्द परमात्मा प्रति जो प्रयोग किए जाते हैं, वो सच्चाई की कसौटी ते पूरे नहीं उतरते। जैसे कि आख्या जाता है परमात्मा नू लभना है, ते लभना उसनू पैंदा है जो गुम हो गया है। वो गुम नहीं होया है। परमात्मा दे कोल जाना है तो कोल उसदे ही जाना है जो अपने तो दूर है। जो अपने तो दूर नहीं, उस दे कोल की जाना। जो गुम नहीं होया, उनु लभना की। इस वास्ते गुरु नानक दी बाणी दा ऐसा कहना है कि तू अखां खोल, उते हाजर नाजर है। वो गुम नहीं होया और उते इथों दूर भी नहीं। लिहाजा उस दे कोल जाना है या उनु लभना है। धार्मिक दुनिया दे च ए जो कहावतां ने, ए भी भ्रांति ते खड़ियां ने। दरअसल गल इतनी है, तू अपनियां अखां खोल, ओ ते जाहर जहूर है के हाजर हजूर है। उदा ना दिखाई देना उदी दूरी नहीं है। उदा ना दिखाई देना उसका गुम होना नहीं है, बल्कि तेरा सोना है, तेरी अखां दा बंद होना है। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राही ये संदेश उपदेश दे रहे ने कि समूह ब्रह्मंड, ए सारे दा सारा जगत परमात्मा दे रहन दी थां है। आसन लोए लोए भंडार। वास्तविक उस परमात्मा दा आसन हर लोक विच है, हर बशर विच है, हर जीव विच है। कोई उसका एक सिंघासन नहीं, ये व्यापक ब्रह्मंड उसका सिंघासन है और इस सारे ब्रह्मंड विच वो बैठा है। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। ये कोठड़ी चूंकि सच दी है, इस वास्ते कोठड़ी भी सच्ची है। जिस घर विच धार्मिक लोग रहिंदे होन, जिस धर्म विच घर विच धार्मिक विचार अठे पैर पढ़े जांदे होन, पढ़ाए जांदे होन, उस इट्टां दी ढेरी नूं भी लोकी धार्मिक मंदिर कह देंदे ने। हैं ते इट्टां ही, है ते पत्थर ही, है ते लकड़ ही, लेकिन धार्मिक मंदिर, ये मकान धार्मिक भवन है। की है
ਉਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ, ਉਹ ਘਰ ਆਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਝੂਠੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ। ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਸਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਤਨ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੌਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੋ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮੇ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੂਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਚੰਦ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਆ ਉਹ ਵਧ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਗਰਸ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ
मामूली खेड नहीं। इत सूरी ऊपर खेलना गिरे तो ठाहर ना है। जो हो गया है इनू कबूल कर लेना। दरअसल कई दफा ऐसा होया कि जन्म होया है कबूल है, मरण होया है कबूल नहीं। नफा होया है परवान है, नुकसान होया है कबूल नहीं। इज्जत मिली है कबूल है, बेइज्जती हो गई है परवान नहीं। दरअसल मनुख परमात्मा दे हुक्म नूं अपने अनुकूल ढालना चाहता है, ते परमात्मा अपने हुक्म दे अनुकूल जगत नूं चलाना चाहता है। गल ए है, और इस कशमकश करके मनुख दुखी है। दरअसल चलदा ते मनुख उस दे हुक्म दे ची पे है। सर्दी होई है, ए होनी सी, ते हुण बंदे नूं कितनी भी कबूल ना होवे सर्दी ते रहेगी, नहीं तेनूं कबूल ते ना सही ए ते रहेगी। गर्मी होई है ए ते होनी सी और होके रहेगी, जे तेनूं कबूल नहीं ते इस दे च तेरा कबूल ना करना कोई मैने नहीं रखता। तू चीखदा रह, चलांदा रह, लू चलदी रहेगी, गर्मी होवेगी ए रहेगी। जन्म होया है ए होना ही सी, मरण होया है ए होना ही सी। जो होना सी जो होया है इनू कबूल करना परमात्मा दा हुक्म मनना है। ब्रह्मंड विच सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। नवे दीप प्रगट हो रहे ने, पुराने दीप बुझ रहे ने। नवे ग्रह छत्र जन्म ले रहे ने, कुछ टुट रहे ने, कुछ मिट रहे ने। एक बहुत वड्डी लीला चल रही है, एक बहुत वड्डा खेल चल रहा है, जिसनों परवान करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। तेरे शरीर दे श्वास चल रहे ने, तू चला नहीं रहा। दिल धड़क रहा है, तू धड़का नहीं रहा। खून चल रहा है, तू चला नहीं रहा। इसी तरीके नाल समुच सब कुछ जगत दे च हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। दो तरह के मनुख ने जो ऐसा दावा करनगे, नहीं ये मैं कीता, ते जे तू कीता है ते तेरे कीते नाल सुख मिले है, इनू तू कबूल कीता है ते दुख मिले है, इनू क्यों नहीं तू कबूल कीता, ये भी तेरी कृत। जे तेरा ही कीता है सब कुछ, ते जन्म दिन ते तू मिठाई वंडी है, ते मरण दिन नूं भी खिड़े मत्थे कबूल कर, फिर तस्लीम कर। इज्जत मिली है तू खुश होया है, बेइज्जती नूं भी झोली च पा। नफा होया है तू प्रसन्न होया है, नच उठे है, तां नुकसान नूं भी झोली च पा। बहुत औखा है, हुक्म या ते सारा ही मनिया जा सकदा है, या सारे हुक्म तो इनकार किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भी मैं अद्धा हुक्म मनना ते अद्धा नहीं। और यह हकीकत है कि कोई इनकार करके भी हुक्म मनन तो बच नहीं सकता, लेकिन इनकार करन दे नाल दुख होर वधा लेगा, बेचैनी होर वधा लेगा। पर हुक्म नूं मनन दे नाल हकीकत यह है कि परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। हुक्म दे च अगर दुख है, ते दुख नूं किसे ने खिड़े मत्थे कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है, ते उन्हों अनुभव हो जाएगा कि दुख भी प्रभु दी तरफों मिले होया एक दारू है, एक इलाज है। दुनिया दे वाहिद संत वाहिद रहबरी पुरुष गुरु नानक ने ऐसा नारा लाया है कि दुख करोपी नहीं, दुख परमात्मा वालों सजा नहीं, ए परमात्मा वालों औषधि है, दारू है। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई। दुख भी एक दारू है, पर सवाल पैदा होंदा है दुख कदों दारू बनदा है, ते दुख दा दारू परमात्मा नूं कदों देण दी लोड़ पै जांदी है, जद बंदे दे सुख रोग हो जान। दुख दारू सुख रोग भया, बड़ा कीमती बचन है पहले पातशाह दा। जद सुख रोग हो जान, जद सुख बंदे नूं हंकारी कर देन, जद सुख आलसी बना देन, जद सुख बंदे नूं दलिदरी कर देन, जद सुख बंदे नूं लोभी बना देन, बेईमान बना देन, ते जद सुख बंदे नूं कठोर बना देन, ऐसे बंदे नूं कथा कीर्तन दी औषधि नाल ठीक करना बड़ी औखी गल है, बहुत कठिन गल है। क्यों? कि वो आलसी इतना हो गया है, वो अहंकारी इतना हो गया है, वो लोभी इतना हो गया है, उन्हें दूरी इतनी वधा ली है
कि उस तक इस शब्द का पुजना, इस विचार का पुजना बहुत औखा है। उन्हें अपने हिरदे दे सारे पट बंद कर लेने, उस तक यह विचार नहीं पहुंच सकती। लिहाजा ऐसे पुरुष ले फिर परमात्मा ने जो औषधि तैयार की थी है, वो दुख है। बड़े तो बड़े बंदे दुख की चोट सहार दें सीधे हो जाते हैं, उंज नहीं आते। उंज आकड़ बनी रहती है, उंज बेईमानी बनी रहती है, उंज कठोरता बनी रहती है, पर दुख की एक चोट ने सीधा कर दिता। तो साहब कहते दुख वक्ती दुख ये परमात्मा वालों करोपी नहीं, दारू है, औषधि है। और इस दारू की उदों लोड़ पैंदी है जदों सुख रोग बन जान। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई, तो जो होआ हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होया है ये होना ही सी, यही हुक्म है। और इसनों जो खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेंदा है, समझ लो वो रजा दे च राजी है। तो जो रजा दे च राजी है उसते परमात्मा राजी है, उसते गुरु राजी है। रब किसते राजी है? जो उसकी रजा दे च राजी है, उसका संबंध जुड़ जाता है, वह परमात्मा दे बहुत नेड़े चला जाता है। तो साहिब गुरु अर्जन अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राही ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि एक अद भगता ने हुक्म नू मन के हुक्मी दे समाई हासिल कर ली है, रजा नू मन के उस परमात्मा दे च लीनता हासिल कर ली है। तो एक अद हुक्म तो इनकारी होके अपना जीवन नाश कर लिया, अपना जीवन खुआर कर लिया। हुक्म तो इनकारी मनुख हो सकता है, लेकिन हुक्म तो बच नहीं सकता। मछली सागर विच घूमती हुई ऐसा कह सकती है सागर मैनू प्रवान नहीं, ऐसा कह सकती है, ऐसा उसनू खुल है, लेकिन पानी तो बाहर रह के विचर नहीं सकती, उसके हुक्म की उलंघना नहीं कर सकती, उसके हुक्म तो इनकार होने का जज्बा उजागर कर सकती है। नदी के एक कंडे तो लेके दूसरे कंडे तक मच्छी जा सकती है, पर पानी तो बाहर निकल के कलोल नहीं कर सकती। मच्छी दरिया विच घूमदे आया ऐसा कह सकती है पानी विच रहना मैनू कबूल नहीं, पानी विच विचरना मैनू ये परवान नहीं, लेकिन फिर भी पानी तो बाहर रह के ये विचर नहीं सकती। मनुख ऐसा कह सकता है हे परमात्मा ये तेरा हुक्म मैनू कबूल नहीं, ये तेरी रजा मैनू परवान नहीं, लेकिन फिर भी उसकी रजा तो बाहर हो नहीं सकता, फिर भी उसके हुक्म तो बाहर हो नहीं सकता। बारीक बुद्ध रखण वाले ने ईश्वर के इस राज नू समझे, इस राज नू जाने, और इंज कह लो इस राज दा ही सदका उन्होंने वास्तविक परमात्मा नू जाने। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। तो एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाणे कढ लै, एक ना माया विच निवास। एक ने परमात्मा दे भाणे नू मन के, उस दे हुक्म नू मन के माया विचों अपने आप नू कढ लिया, ते एक हुक्म दी अदूली करके बावकारी होके माया विच ही फसे रह गए, जंजाल विच ही फसे रह गए। ए भी आख ना जा पई जे किसे आने रास, ए भी दिखाई नहीं देंदा, और ऐसा भी दावे नाल नहीं आख्या जा सकदा कि जिंदगी किस दी रास आई, जगत ते आया किस दा सफल होया। मनुख फैसला कुन गल नहीं कर सकदा, फलाना जन्नत दे चला गया, फलाना स्वर्गवास हो गया, फलाना ब्रह्मलीन हो गया। मनुखी दुनिया दी ये सारियां कहावतां ही ने, इहदे च हकीकत कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुख दे अपने अंदाजे ने, मनुख दियां अपनियां क्यास अराईयां ने। मनुख दे कोल ऐसी कोई दूरबीन नहीं कि उसने देख लिया होवे हां वाकई ये ब्रह्मलीन हो गया, वाकई ये सचखंडवासी हो गया। तो साहिब कहिंदे ने एक कहण मात्र गल नहीं है, पुन्नी पापी आखण नाए कर कर करना लिख ले जाओ। तो एक कहण मात्र गल नहीं, ए भी आख ना जा पई जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास। गुरु द्वारा इस गल नू जानिया जांदा है, इस गल दा पता चलदा है कि ईश्वर आप ही अंदिश करन दे प्रकाश करदा है।
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉੱਦਮ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਮੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਆ ਹੁਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਆਸ਼ਰਮ ਆਸ਼ਰਮ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ 8 ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 40 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਪੂਰਨ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿ। ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੱਕੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੱਜ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਟਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਘਟੀ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ, ਸਵਾਲੀਆ ਹਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਢਾਲ ਸਰੀਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੋ ਉਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰ ਲੱਗੇ। ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਜਦ ਬੋਧ, ਐਸੀ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਕੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ, ਨਵੇਂ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਧਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਘਾਲ ਨਾ ਘਾਲ ਘਾਲ ਕੇ
पता चलता है तो सतगुरु देव जी महाराज कहते हैं गुरु द्वारा ही यह गल जानी जाती है कि जिसनों वो आप प्रकाश देवे उही प्रकाशमान होंदा है उसनों ही सूझ पैंदी है। पौड़ी नानक जी उपाय के लिखनावे धर्म बहा लिया। सतगुरदेव जी महाराज का फरमान जीव पैदा करके हर जीव दे नाल परमात्मा ने धर्म बिठाता है मर्यादा असूल। धर्मराज किथे बैठा है ये कोई नक्शा फोल के वेखण की लोड़ नहीं, ये कोई पृथ्वी का शहर नहीं, धर्मराज हर एक दे अंदर बैठा है। धर्म मर्यादा मनुख जो कुछ भी करता है वह अंदर अंकुरित हो जाता है, जो बोलता है, जो सोचता है, जो सुनता है, जो वेखता है, जो करता है, यह सब च नहीं जाता, अंदर अमिट छाप इसकी लग जाती है। यही चित्रगुप्त है, यही धर्मराज है। और ऐसा तो हो सकता है कि कागज से लिखा होया जलाया जा सकता है, कागज से लिखा होया मिटाया जा सकता है, पर अपने आप दे छड़े कीते कर्म लिखे जाते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती उस परिपूर्ण परमात्मा तो बिना, उस अकाल पुरख तो बिना। तो यह धर्म उस परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे नाल बिठा दिता है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े चुण वख कड़े जज मा लिया। ओ धर्मराज ओ जो मर्यादा परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है उत्थे निबेड़ा सच ते ही है, सच ही अंगीकार हुंदा है। चुन के वख कड़ दिते जांदे ने जिन्हां ने जजिया देना है, भाव जो झूठे ने जिन्हां कर देना है, जिन्हां ने जजिया देना है, जिन्हां ने दंड भोगना है, जिन्हां ने कीते कर्मां दी सजा भोगनी है वो वख कर दिते जांदे ने। थाउ ना पाए न कूड़ यार मोह काले दोजक चालिया। प्रभु दे सच अस्थान विच इस तरह के पुरुषां नूं थां नहीं मिली, लिहाजा मूह काला लैके वह दोजक विच जांदे ने। भाव भैड़े संस्कार भैड़ा चित्रन वह जो भैड़ी तस्वीर बनी है वो ही लैके जांदे ने। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम है लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, अक्सर मनुख ने अपनी तस्वीर अंदर आप बनानी है लेकिन इतनी बिगाड़ बैठता है जिसका जिक्र साहब कहते ने के मोह काले दोजक चालिया। काले मुंह नाल चले है दोजकां विच दुखां भोगण लई। तेरे नायर ते से जिण गए हार गए से ठगण वाले, तेरे नाम दे रंग दे जो रते गए उन्होंने जीवन की बाजी जिण लई जित लई, ते जिन्हां नूं ए रंग ना चढ़िया वह हार गए, वह ठगे गए, वह माया तो ठगे गए। ठगण वाले ही माया तो ठगे गए, संसार नूं ठगण वाले ही संसार तो ठगे गए, मनुखां नूं ठगण वाले ही जगत तो ठगे गए। और इस तरीके नाल जीवन की बाजी हार गए। लिखनावे धर्म बालिया साहब कहिंदे ने कि परमात्मा ने जीवां दे कर्मां नूं लिखण लई इस ढंग की मर्यादा इस ढंग का धर्म ना लिठा दिता।